सहारनपुर की कोतवाली बेहद इलाके के गांव उसंद में मंगलवार की अलसुबह बाग में आम के पेड़ से एक युवक का लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये खबर गांव में पहुंचते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान इसरार मिर्जा पुत्र असगर उम्र 45 वर्ष मूल निवासी गांव उसंद हाल निवासी अहमद कॉलोनी कोतवाली देहात सहारनपुर के रूप में हुई। मृतक के भाई अशरफ ने बताया कि वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त था तथा उसका चंडीगढ़ इलाज चल रहा था। आशंका जताई कि बीमारी से ग्रस्त होने के कारण उसने आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर के हकीकत नगर में 26 अक्टूबर को बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर आभूषण हड़पने की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के चार शातिर अभियुक्त खुर्शीद पुत्र फजलुद्दीन, हबीब पुत्र शमसुद्दीन, सुहेल खान पुत्र बाबू खान व मोहम्मद आसिफ पुत्र नियाज अहमद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से महिला से लूटे गए जेवर सहित दो तमंचे, चार कारतूस, दो फर्जी नंबर लगी मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त रंग बिरंगे पत्थर भी बरामद किए हैं। जब हमने पकड़ा तो पता चला कि एक इंटरस्टेट गैंग है। इसमें जो दो मेंबर हैं वो उधमसिंह नगर के हैं और उत्तराखंड के, और बाकी मेरठ और बिजनौर के हैं। इन ये लोग गिरोह बना के काफ़ी समय से महिलाओं के साथ इसी तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये कुछ अपने साथ स्टोन्स लेके घूमते थे, छोटे छोटे पत्थर, रंगीन पत्थर हैं इनके पास, वो लेके घूमते थे। और सुबह सुबह जब इनको महिलाएं बड़ी उम्र की जब दिखती थी, जो इनको लगता था कि जिनको आसानी से ठगा जा सकता है, उनसे वार्ता करते थे और एक आदमी को दिखाते थे कि वहीं का लोकल बंदा है, जो कि होता इनके गिरोह का था, लेकिन दिखाते थे यहाँ का लोकल बंदा है, उसको भी इस पूरे ट्रिक में अपने मेंबर बना, सदस्य बना के रखते थे। उनको महिला को बोलते थे कि उनका कुछ भविष्य है, भविष्य में कुछ वो उनका खतरा देख रहे हैं और उसको निपटाने के लिए इनको ये एक स्टोन रखना पड़ेगा अपने पास, और इसकी एवज में उनसे वो उनके जो भी पहने हुए आभूषण हैं, चाहे कुंडल चेन, वो उनसे ले लेते थे। तो यही घटना इन्होंने यहाँ की जो हमारी थाना सदर बाजार क्षेत्र में हकीकत नगर में रहने वाली वादियाँ थी उनके साथ ये घटना कारित करी। जब इनको पकड़ लिया है तो इनसे पूछताछ की तो ये करीब 21 या 22 तारीख को वहाँ से उधम सिंह नगर से निकल गए थे। इन्होंने रास्ते में मुरादाबाद, कांट और बिजनौर और ये बाकी मेरठ, इन जगह पे भी इन्होंने इसी तरह से महिलाओं के साथ ठगी घटना करी है। और ये सारा का सारा जो माल है वो ये अपनी जो मोटरसाइकिल है उसमें जो तेल की टंकी है उसमें डाल के रखते थे अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में। तो इस तरह ये पूरा घटना का अनावरण किया गया है। इसको जिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है उसके प्रोत्साहन के लिए कप्तान साहब ने इसमें 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। सर बताया जा रहा है सहारनपुर में थाना सरसावा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद लूट की घटनाएं कारित करने वाले एक घायल सहित कुल तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में दीपक पुत्र शेर सिंह, नितिन पुत्र सागर सिंह पाल व अनुज शर्मा पुत्र नाथी शर्मा शामिल है, जिनके कब्जे से एक जोड़ी कुंडल पीली धातु, तीन अवैध तमंचे, तीन जिंदा, तीन खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल पल्सर भी बरामद हुई है। पहली जो लूट थी 21 तारीख की, उसमें एक व्यक्ति से रोककर उसे कैश की लूट की थी, उसके पर्स से 5,000 रुपये छीन कर और उसके सर पर वार करके भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना नकुड़ पर लूट का मुकदमा पंजीकृत था। उसके तीन दिन बाद ही थाना सरसावा क्षेत्र का जो है, नकुड़ और सरसावा का जो बॉर्डर क्षेत्र है फनपुरी चौकी और सरसावा का, वहां पर इन्होंने लूट की दोबारा घटना की, जिसमें कि एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, महिला को रोककर, दंपत्ति को रोककर महिला के कान के कुंडल लूट कर वहाँ से फरार हो गए थे। इसी पर एक जो घटना हमारी पूर्व में वहाँ पर पंजीकृत थी थाना सरसावा पर, जिसमें कि एक सेल्समैन के यहाँ पर इन्होंने लूट की घटना की थी, जिसमें कि ये लोग इसी बाइक से और नकाब बांधे गए और वहाँ पर उन्होंने उससे लूट की घटना कारित करके वहाँ से फरार हो गए थे। इसी रूट पर लगातार ये लोग एक्टिव थे और कल जो है ये बाद मुठभेड़ रात्रि में
इन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़, जिसमें कि जब पुलिस इनकी सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी, तभी जो रजवाए की पटरी है ग्राम अलीपुरा के पास, वहाँ पर जब ये आए तो जब इन्हें रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा जवाबी फायर में जो दीपक है, जो मुख्य अभियुक्त, जो कि टॉप 10 नकुड़ थाने का टॉप 10 अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 20 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, वो उस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बाकी जो दो अभियुक्त जो इसके सह अभियुक्त हैं, नितिन और अनुज, ये थाना कोतवाली कुतुब शेर के रहने वाले हैं, जो अभी बताया दीपक ने पूछताछ में कि ये ग्राम सालापुर का मूल निवासी है, चंद्रपाल खेड़ी में भी इसका आवास है, बट ये अभी वर्तमान में इन्हीं के साथ इन्हीं के घर में रह रहा था, और ये लोग ने पूछताछ में बताया कि ये लोग नशे के आदी हैं और ये लूटपाट करके और जो है अवैध जो मादक पदार्थ जो है खरीद कर और स्मैक का नशा करते हैं, इसीलिए ये घटना करते हैं। तीन साल पहले टूटी छत को ठीक कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र में सहारनपुर के पठानपुर में रहने वाली महिला नीरा सक्सेना बताती है कि उन्होंने 5 साल पहले एक मकान खरीदा था, जिसके ऊपर का बैनामा उनके नाम है और नीचे का बैनामा अजय कंसल और उर्मिला त्रिपाठी के पास है। उनका यह मकान पुराना कड़ियों वाला था। 3 साल पहले उसके छत ढह गई थी। उसे छत को ठीक करने के लिए जब अजय कंसल व उर्मिला त्रिपाठी से कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम छत की मरम्मत नहीं करने देंगे। इसके बाद महिला नीरा सक्सेना ने कई जगह शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। थक हार कर महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हमारा मकान का मामला है, जमीन ऊपर की छत ले रखी, हमने मकान अपने नाम करवा कर नीचे वाले ठीक नहीं कराते छत वो, और हम किराए पर धक्के खा रहे हैं, कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छा, और वो हमें चक्कर कटवाया जा रहा। कितने गज में मकान है? हमारा 150 गज में मकान है, अपने 70 गज के मांग रहा है हमसे 15 लाख, और हमें कह रहा है कि 4 लाख में पूरा मकान दे दो। तो पुलिस से मिले तो पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देख लो, बैठ जाओ, बात करो, हम देखते हैं, आज बात होती है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी नहीं कुछ हमारा करवाने चाहिए, करवाने को तैयार हो रहे, हम कहाँ जाएं, हम इधर के किनारे तो भटक रहे हैं, मैं किराया दूँ शुगर की पेशेंट को, अपना इलाज कराऊंगी। तो आप अकेले या और? सहारनपुर के सरसावा में अंकल जॉन्स पिज्जा की फ्रेंचाइजी का शुभारंभ कैराना सांसद इकरा हसन के द्वारा फीता काटकर किया गया। अब सहारनपुर के छोटे से कस्बे सरसावा में भी अंकल जॉन्स पिज्जा का लोग लुत्फ उठा सकेंगे। वैसे तो देश के अलग अलग राज्यों में अंकल जॉन्स पिज्जा की फ्रेंचाइजी चल रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के सरसावा में भी अंकल जॉन्स फ्रेंचाइजी का शुभारंभ हो गया है। गुजरात से सहारनपुर पहुंचे फ्रेंचाइजी ओनर सैयद बाबर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया के 14 स्टेट में अंकल जॉन्स पिज्जा फ्रेंचाइजी चल रही है। इंडिया में उनके द्वारा आज 71वीं फ्रेंचाइजी सरसावा में खोली गई है। इंडिया के 14 स्टेट में हम लोग अवेलेबल हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, और हम लोगों ने अभी आज जो इनॉग्रेशन किया है वो सरसावा में किया है, जो गुरुद्वारा के सामने है। अंकल जॉन्स पिज्जा का ये 71 ये आउटलेट ओपन हुआ है आज, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो है जो ओपनिंग के लिए हम लोगों ने जो बुलाई थी, MP साहिबा थी यहाँ पे, इकरा हसन जी थी और उमर अली खान जी यहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया आके यहाँ पर, और आप लोगों से भी चाहते हैं कि ये ब्रांड को हम इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये एक इंडियन ब्रांड है, जो मेरा ड्रीम है इसको इंटरनेशनल बनाना है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा दुबई में और कनाडा में भी एक साइन हुआ है, और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, हमारा जो पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा का जो स्टार्टिंग रेंज है वो 79 है, इसको पिज्ज़ा मानिया बोलते हैं, और बर्गर 49 से स्टार्ट है। तो हमारे पास जो है वो जो हमारा मेन्यू है वो पॉकेट फ्रेंडली है, और टेस्ट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है बिल्कुल। ब्रांडेड जो सॉसेज होते हैं, चीज़ होते हैं, जो ब्रांडेड होती हैं चीज़ें, वही सब यूज़ कर रहे हैं, और क्लीनिंग का खास ख्याल रखा गया। हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर से हमारे जो एरिया मैनेजर्स हैं वो सब आए हुए हैं।